अभी तक के सबसे कंट्रोवर्शियल शो में आई पद्मावती का प्रमोशन करने दीपिका पादुकोण, तो अब कंट्रोवर्शियल शो में उनके आने से कोई कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बता दें कि शो में आई दीपिका ने सभी घर वालों को मजेदार टास्क दिया, जिसके दौरान दीपिका ने हितेन को अर्शी को प्रपोज करने का टास्क दिया, जिसके बाद आखिरकार हितेन ने अर्शी को प्रपोज कर ही दिया और अर्शी का भी ये सपना पूरा हो गया। लेकिन यहाँ उनका प्रपोजल कुछ अलग ही अंदाज में रहा। चलिए आपको ये दिखाते हैं कि हितेन ने अर्शी से क्या कहा। अपने प्यार का इजहार कीजिए। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और एक बार शादी करते हैं, समझे? हम चार बार शादी करते हैं। जी हाँ, हितेन ने अर्शी को एक बार फिर से रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि वो गौरी के अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर अर्शी भी तो कहाँ किसी से कम है। अर्शी हितेन को एक बार फिर से हरी झंडी दिखाते हुए ये कहती हैं कि हम चार बार शादी करते हैं। उसी के साथ शो में आई दीपिका ने इन दोनों की इस नोक झोंक को काफी इंजॉय किया। साथ ही दीपिका ने आकाश से उसका रैप भी सुना। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।